दस्तरखान के नीचे सो गए। गाइस यहाँ से कौसरनाग का रूट स्टार्ट होता है। ये पहुँच गए जी हम संगम मैदान में। लेकिन आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी रोज होती थी, आज बहुत कम गर्मी है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम आए थे हर्बल, बज चुके हैं सुबह के 7 और हम अभी नींद से उठे। आज रात हमने बिल्कुल भी नींद नहीं की, पता नहीं नींद क्यों नहीं आई, लेकिन आज रात बिल्कुल भी नहीं सोए हम। अब पहले फ्रेश होके आएंगे, फिर चाय शाय पियेंगे, फिर देखेंगे क्या सीन रहेगा। तो चलिए पहले मुँह हाथ धो के आते हैं। ये देखो हमारा आदर भैया कहाँ पे है, अब वहां से मैं नीचे जाऊंगा, इधर ही फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे इरफान भैया चाय बना रहे हैं। सपोर्ट्स राउंड। सो गाइस आ गई हमारी चाय, इन लोगों ने खत्म की, बस मैं पी रहा हूँ। चलो पहले मैं चाय पी लेता हूँ। गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप और भी घर वाले। भाई चाय हमने पी ली, अब हम मार्केट जा रहे हैं, साबुन लाएंगे बर्तन धोने के लिए और थोड़ा सा चीज़ लाएंगे, क्योंकि हम आज ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब संगम की ओर, गुरुवटन से ओर। फ्रूट ठीक है, मैं फ्रूट भी लाता हूँ। जब तक हम बाजार से आएंगे तब तक इरफान भाई ये टेंट निकालेंगे। गाइस कर दिया हमने टेंट वेंट पैक सब कुछ, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। चले बिल्कुल आदिल भाई। गाइस हम निकल गए गुरुवटन से, अब हम संगम जाएंगे। हाँ इसको गुरुवटन बोलते हैं जी। तो चले जी मिलते हैं आपसे आगे अगले अगले डेस्टिनेशन पे, संगम पे। नहीं संगम पे नहीं, रास्ते में जहाँ पे हम चाय बनाएंगे। चलो गाइस यहाँ से कौसरनाग का रूट स्टार्ट होता है, कोंकटन भी इसी साइड में पड़ता है। कौसरनाग यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है ना भाई। थोड़ा सा आप जब ऊपर आओगे तो रास्ते में आपको एक खूबसूरत ब्रिज दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखो जी, ओए होए होए, माशाल्लाह, ओए होए होए होए, क्या ही खूबसूरत है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो दरिया मिल जाते हैं। वो मेरे बंदे वहाँ पे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो चलिए A few moments later ये पहुँच गए जी हम संगम मैदान में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो जी, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रिकेट शुरू हो गई है मस्त अंदाज में। फाइनली मस्त क्रिकेट खेल के दो टाइम तक खेल लिया हमने क्रिकेट, अब आ गए हम नहाने। नहाने ये देखो जी, ये देखो जी कहाँ पे, संगम में, इसको संगम बोलते हैं। हालत देखो हमारी, खत्म, फुल खत्म, डेड। ये देखो ट्रैकर, देखो चप्पलों में, चप्पलों में आया है ट्रैकर। चलो चलो हम पहले नहाएंगे, उसके बाद खाना बनाना है। पहले नहाएंगे, हाँ फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाएंगे। चलो ठीक है। ओए होए ओए होए, स्पॉट देखो जी, क्या मस्त लोकेशन है यहाँ पे। तो जी हमने यहाँ पे नहा लिया, हमारे साथ बहुत बंदे जुड़ गए थे, मैंने ब्लॉक फिर बंद ही रखा। कुछ लोग मुफ्ती साहब भी थे, उसमें बहुत सारे बंदे थे, मौलवी थे ज़्यादा। अब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे, उसके बाद निकलते हैं घर।
आदिल भैया बहुत मजा आया नहाने में, एकदम मस्त। कसम से थकान पूरी चली गई, दूर हो गई। अब हम पकाएंगे कुछ और खाएंगे। अच्छा, फिर निकलते यहाँ से, ठीक है ना? तो चले, अब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे बिल्कुल नदी के पास में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई। बारिश ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने नहाया भी इसलिए प्रॉब्लम होगी। A few inches later, यहाँ पे बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो गई, लगता है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से। करेंगे? अरे करेंगे यार, बहुत बारिश पड़ रही है। ज़्यादा दूर नहीं करना है, वहाँ बस वहाँ तक करना है। देखो कहाँ तक, बिल्कुल वहां तक। देखो बारिश, देखो कितनी पड़ रही है। ओए होए, क्या बात है जी। क्या मुस्कुराहट है। ये आ गई जी हमारा खाना। ओए होए, पहले खाना खाती है फिर मिलते हैं आपसे। One eternity later, रात भर हम कुछ नहीं सोए, कसम से आधा घंटा भी नहीं सोए। नींद ही नहीं आ गई वहाँ पे। अब देखो हमारा बंदा कहाँ पे सो गया और किसके नीचे। ये देख लो, दस्तरखान के नीचे सो गए। अब यहीं पे आधा घंटा या पौना घंटा आराम करेंगे फिर निकलेंगे वापस। तो चलिए हम भी सो जाते हैं फिलहाल आधा घंटा, उसके बाद निकलते हैं वापस। 12 seconds later, यहाँ पे अब निकलने की तैयारी चल रही है, बस सामान पैक हो रहा है और निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे घोड़ा बिल्कुल उग गया, मान ही नहीं रहा है। चलो सीना, देखो गाइस, खत्म। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। बंदा देखो मेरे से अच्छा है, ताकतवर है, बहादुर है। सामान देखो क्या साथ है, कहाँ रखा बैट बनने के बाद, कहाँ रखा सिर्फ बैट। और मेरे देखो बैग, देखो मेरा बहुत भारी है, पसीने से खाता हूँ। कितना जितनी गर्मी नहीं है, जितनी रोज़ होती थी, आज बहुत कम गर्मी है। देखो क्या है बंदे के पास, सिर्फ बैट। ना इंसाफी, मेरे साथ ना इंसाफी की गई है। फाइनली बहुत मुद्दतों के बाद अब वापस पहुंच गए। यहाँ पे कुछ चल रहा है प्रोग्राम। ये गाइस, ये देखो सर्दी कितनी लग गई। अब हीटर भी हमने ऑन किया। रमई कितनी सर्दी लग गई, रमई सर्दी बोला कितनी है रमई? हां सर्दी बहुत मुझे लग रहा है, इसी तो देख रहे हो ना। एसी में हीटर है और वो भी 5 पर है, 4 पर, 4 पर है अभी हीटर। जुलाई में हीटर लगा है, बहुत ज्यादा सर्दी। 2000 years later, हम हरबल पहुंचे ना, वहां पे गर्मी की वजह से हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमने वहाँ पे सिर्फ नहाया, फिर हमने सोचा हम अब पार्क में जाते हैं। हम जाते पार्क में लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा अब जाम में फंस जाएंगे, फिर लेट हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि घर भी पहुँचना है, इनको भी घर जाना है, इनको फिर हमारे घर से 30-35 किलोमीटर और दूर जाना है। इसलिए हम वहाँ से सीधे निकले, फिर रास्ते में हम कहीं पर नहीं रुके, फिर हम यहीं पर रुके। हमें ये स्पॉट अच्छा लगा। अब हम यहाँ पे चाय वाय बनाएंगे अच्छे से और चाय वाय पियेंगे, चाय या काफ़ी। देखेंगे अब क्या बनाएंगे, या चाय बनाएंगे या काफ़ी बनाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे घर। सो गाइस, यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, इरफान भैया चाय बना रहे हैं हमारे लिए। ये होगी जी हमारी चाय रेडी। यहाँ से आप सीनरी चेक करो गाइस, ओह मस्त है। A few moments later. So guys, चाय शाय पी ली हमने यहाँ पे, अब हम वापस निकल रहे हैं अपने घर। अहरबल में जो नदी है ना,
उसमें हमने 50 मिनट तक कंटिन्यूसली नहाया, बाहर अब निकले ही नहीं, अब बाजू में भी पेन है, रवा है, अब ठीक हो गए, बहुत ज़रूरत है, बस अब घर चलते हैं और इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं, हम सब एक मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।